हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocktrends.com। आज के इस वीडियो में जो एक हमारी वेबसाइट पे एक नया फीचर लॉन्च किया है उसके बारे में समझेंगे। ये फीचर स्ट्रेडल का मतलब ऑल और पुट की सेम स्ट्राइक का प्राइस और ओआई और वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं हम एक ही पेज में, मतलब एक ही स्क्रीन पे हम तीनों चीज का कंपैरिजन करते हैं और उसको अंडरलाइंग से भी कंपैरिजन करते हैं। तो इसका ये वर्जन हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी था, अभी हमने उसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है जिसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए और वॉल्यूम भी ऐड किया है मैंने। इस वीडियो में हम उस फीचर के बारे में बात करेंगे और उसको यूज कैसे करना है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है stocktrends.com करके, इस पे ऑप्शन से रिलेटेड आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे जिसमें आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के प्राइस, मल्टी स्ट्राइक, एंडिंग ओआई, बहुत सारे टूल आप यूज कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट को आप सब्सक्राइब कीजिए और उन टूल को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये टूल यूज करने के लिए आपको यहाँ इंट्राडे ऐप में आना पड़ेगा और यहाँ पे स्ट्रेडल जो है लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, जैसे अभी हमने निफ्टी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जो मार्केट का ओपन प्राइस होगा, जैसे अराउंड आज 17,700 पे ओपन हुआ था निफ्टी, 17,700 स्ट्राइक ऑल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई आएगी आपकी, क्योंकि उस प्राइस पे ओपन हुआ था। पूरे दिन मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, जो बाय डिफॉल्ट हमने एक सेलेक्ट करके रखी है, जो ओपन के प्राइस का जो स्ट्रेडल है वो स्ट्राइक हमने सेलेक्ट करके रखी हुई थी बाय डिफॉल्ट। आप अगेन आप यहाँ पे आके आप अपनी स्ट्राइक चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 17,800 को आपको मॉनिटर करना है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी लिखी होगी, यहाँ पे स्पॉट प्राइस है, कितना चेंजेस आए हैं हमारे स्पॉट प्राइस में और परसेंटेज, और ये डेटा इस टाइम पे अपडेट हुआ है। दोस्तों, ये जो डेटा होता है प्राइस डेटा हर एक मिनट पे अपडेट होता है, और जो ओआई डेटा होता है वो हर 3 मिनट के बाद अपडेट होता है एनएससी की तरफ से। हमारे पास स्नैपशॉट आ रहा है 1 मिनट का, बट जो ओआई अपडेटेड आएगा वो 3 मिनट के बाद आएगा और प्राइस जो अपडेटेड आएगा वो हर 1 मिनट के बाद अपडेटेड आएगा। तो इस साइड में आप लेफ्ट साइड में ये सी का जो भी आपने स्ट्राइक सेलेक्ट करके रखी हुई होगी यहाँ पे सी का डेटा आपको दिखाई देने लगेगा और राइट साइड में आपको इस ग्राफ में ई का डेटा दिखाई देगा। तो एक और चीज दोस्तों, जो ये ब्लू लाइन दिख रही है इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाया गया है हमने उस पर्टिकुलर इंट्राडे का, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है। तो इसलिए हमने ये जो ब्लू लाइन में यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज है, 0 से स्टार्ट होगा और उस पर्टिकुलर डे में कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कॉल साइड में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और राइट साइड में सेम ब्लू कलर में की साइड में हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये जो ग्रीन साइड में है ये कॉल का प्राइस है और पुट साइड में ये रेड का प्राइस है, और जो नीचे ये बार ग्राफ है ये वॉल्यूम है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इतना ओपन इंटरेस्ट था और वॉल्यूम इतना हुआ था। तो इस वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, अभी के लिए आप इसमें इतना समझ लीजिए कि ये वॉल्यूम का चार्ट है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉल और पुट का प्राइस कंपेयर किया हुआ है कि कॉल का प्राइस कितना चल रहा था, पुट का प्राइस कितना चल रहा था, उसको अंडरलाइंग के अगेंस्ट कितना अंडरलाइंग में चेंज कितना हुआ, जैसे आपने निफ्टी सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो निफ्टी में कितना चेंज हुआ, उसके अगेंस्ट कॉल के प्राइस इंक्रीज हुए, पुट के प्राइस डिक्रीज हुए पर्टिकुलर स्ट्राइक का। तो यहाँ पे जो दोस्तों एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो स्ट्राइक सेलेक्ट करके रखी हुई है और कॉल का प्राइस का जो कलर है बाई डिफॉल्ट आपको ग्रीन दिखेगा। हमारी पूरी वेबसाइट पे यहाँ पे आप हमारी पूरी वेबसाइट पे प्रोफाइल सेक्शन में जाके आप कलर अपने अकॉर्डिंग प्राइस के कलर अपने अकॉर्डिंग सी का, बहुत लोगों को जैसे सी का कलर रेड देखना होता है आप रेड पे क्लिक करेंगे और पी का कलर ग्रीन देखना होता है, और बहुत लोग निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो ये आप प्रेफरेंस अपने यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप किसी भी टूल पे जाएंगे, जैसे हम अगेन स्ट्रेडल टूल पे चलते हैं, उसका कलर और अभी यहाँ पे देख सकते प्राइस का कलर कॉल और पुट का, और जो फेवरेट इंडेक्स है बाई, जैसे आपने इस पेज पे लैंड हुए तो आपको बाई डिफॉल्ट निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सेलेक्ट किए हुए दिखेगा। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे कॉल की साइड के कलर रेड हो चुके हैं और पुट की साइड के कलर ग्रीन हो चुके हैं, और सेम नीचे की ग्राफ में कॉल के साइड सेम है, कॉल की साइड रेड है और पुट की साइड कलर जो है ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। आप अगेन किसी भी टूल पे जा सकते हैं, जैसे ट्रेंडिंग एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ओआई का, अगेन यहाँ पे देख सकते हैं सी का प्राइस रेड में रिप्रेजेंट किया हुआ है और पी का प्राइस ग्रीन में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अगेन यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट बैंक निफ्टी सेलेक्ट हुए आ रहा है यहाँ पे। तो हम जाके इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैं सी का कलर ग्रीन में देखना अच्छा लगता है मुझे और पी का कलर मैं रेड में देखता हूँ, और मैं मूल्य निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। इस वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि आपको जैसे ये एवरेज से थोड़ा जहां कहीं भी किसी पॉइंट पे भी ज्यादा ट्रेड हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट में भी स्पाइक आ रही है, तो वहां पे किसी मेजर प्लेयर ने बहुत बड़ी पोजीशन बनाई हो सकती है, जैसे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, प्राइस भी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ और वॉल्यूम में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन
इलेक्शन हुआ, तो उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ मेजर एक्टिविटी हो रही होती है। तो इससे रिलेटेड आपको कैसे एनालाइज करना है, हमने पास्ट में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उनको जाकर रेफर कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर ऑप्शन ट्रेडर हैं जो उन्होंने बहुत डीपली आपको वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का कॉम्बिनेशन समझाया हुआ है। आप कोई भी वीडियो रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, मॉर्निंग में आपको हमेशा वॉल्यूम में स्पाइक्स ज्यादा मिलेगी क्योंकि बहुत सारे तो कल की पोजीशन है उनको स्क्वायर ऑफ करते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स और नई पोजीशन लेते हैं, मॉर्निंग में आपको वॉल्यूम हमेशा ज्यादा मिलेगा। बट आपको बीच में आप देखेंगे जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अराउंड 1:14 या 15 पे यहाँ पे एक स्पाइक मिली है, ऑल साइड पुट साइड में भी और अराउंड ये कॉल साइड में भी एक वॉल्यूम में स्पाइक मिली है। और यहाँ पे आप जाके देखेंगे पुट की साइड में वॉल्यूम में स्पाइक आई है, प्राइस इंक्रीज हुआ है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हुआ है, और कॉल के प्राइस इस साइड आप देखेंगे जब वॉल्यूम बढ़ा है तो कॉल के प्राइस डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ का एक पॉइंट देख सकते हैं, जब ये यहाँ पे वॉल्यूम में बहुत बड़ी स्पाइक आई पुट की साइड में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे की साइड में निफ्टी में एक शार्प डिप देखने को मिला कि मतलब यहाँ पे ये हुआ किसी बड़े प्लेयर ने बहुत सारी एक्टिविटी की हुई है। ये वॉल्यूम मतलब बताने का मतलब ये है कि वॉल्यूम का प्राइस आप ट्रैक करेंगे ना कि किस पॉइंट पे पर्टिकुलर स्पाइक हो रहा है वॉल्यूम में एंड ओपन इंटरेस्ट पे, तो वहां पे कुछ मेजर मूवमेंट हुआ है और वहां से शार्प रिकवरी या फिर शार्प सेल ऑफ आ सकता है, तो वो पॉइंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप दूसरी स्ट्राइक भी आपको जैसे 17,700 की स्पाइक मेजर नहीं करनी है, दूसरी 17,800 की स्ट्राइक मॉनिटर करनी है, तो आप यहां से जाके स्ट्राइक चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये अपडेट था, आपको कैसा ये अपडेट लगा है, और आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फीडबैक देख सकते हैं कि आप सर इसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए जिससे आपको या हमें हेल्प मिले उस मॉडिफाई करने के लिए, मैं हमेशा एक्सेप्टेबल हूं। तो दोस्तों इस तरीके के टूल को लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर में जो 1-2 लाख रुपए के मिलते हैं और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है 1,000-2,000 रुपए पर मंथ आपको देने पड़ते हैं, बट हमारे प्राइस बहुत मिनिमल है, आपको सिर्फ 299 रुपीज देके आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मंथ के बेसिस पे। तो दोस्तों ये टूल कैसा लगा है आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे आपके लिए अच्छे अच्छे ऑप्शन से रिलेटेड टूल डेवलप करने के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।